करेंगे, कब तक ब्लॉक करेंगे, कब तक शरद पार की बातें करती रहेंगी, ठीक है, कब तक? और सच्चाई ये है कि आप मुझे ब्लॉक कर सकते हो, आप कई और लोगों को भी ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन इस 130 करोड़ की जनता के जो असली जो उनकी सच्चाई, उसको कब तक ब्लॉक करोगे, उस लहर को कब तक ब्लॉक करोगे? ठीक है, ये लहर उठ चुकी है, तो अगर इसके साथ नहीं तैरे तो डूब जाएंगी। और मेरे को ये लगता है कि सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इस देश की जो जनता है, इनका कर्म और धर्म यही है कि इस देश की तरक्की करना। शायद कई ऐसे लोग हैं जिनका ये कर्म नहीं है। देखिए, 2014 में लहर थी, 2019 में सुनामी है, प्लस उन्नति है, प्लस डेवलपमेंट है, प्लस जिस तरीके से 5 साल में इस देश में काम हुआ है वो है। तो 2014 की लहर, इस बार की सुनामी, प्लस सुनामी के साथ साथ जो डेवलपमेंट हुई है वो सबसे बड़ी चीज है। लोकसभा चुनाव के महासमर की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण के लिए गुरुवार को वोट डाला गया। आने वाले चरणों के लिए प्रचार भी जारी है। क्रिकेटर से भारतीय जनता पार्टी के नेता बने गौतम गंभीर ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के उधम सिंह नगर में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर जमकर हमला बोला। गौतम गंभीर ने कहा, महबूबा मुफ्ती मुझे ब्लॉक कर सकती है, लेकिन इस देश के 130 करोड़ जनता को ब्लॉक नहीं कर सकती। इस देश में एक लहर चल रही है जिसके साथ वह नहीं है। 2014 में विकास के नाम पर लहर थी और 2019 में एक सुनामी बन चुकी है। बता दें कि गौतम गंभीर और महबूबा मुफ्ती के बीच इससे पहले भी कई बार ट्विटर वॉर छिड़ चुकी है। गंभीर ने गुरुवार को यहाँ उधमपुर जिला की रामनगर तहसील में जनसभा की और कहा कि इस देश में कभी दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। बता दें कि यहाँ 18 अप्रैल को मतदान होने हैं। चुनाव से कुछ दिन पहले ही गौतम गंभीर ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। उनके दिल्ली से चुनाव लड़ने की भी अटकलें हैं। इससे पहले भी गौतम महबूबा उमर से ट्विटर पर भिड़ चुके हैं। दो प्रधानमंत्री वाले बयान पर गौतम गंभीर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला पर हमला बोलते हुए कहा, हालांकि उमर अब्दुल्ला ने भी उन पर पलटवार किया था। गौतम ने ट्वीट किया था कि उमर जम्मू कश्मीर के लिए अलग पीएम चाहते हैं और मैं महानगरों पर और महासागरों पर चलना चाहता हूं। उमर जम्मू कश्मीर के लिए अलग पीएम चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि मैं सुअर हवा में उड़ाऊं। एक अलग पीएम की बजाय उमर अब्दुल्ला को थोड़ी नींद और इसके बाद एक कप कड़क कॉफी की जरूरत है। अगर इसके बावजूद वो समझ नहीं पाते हैं तो उनको एक ग्रीन पाकिस्तान पासपोर्ट की जरूरत है। जिसके जवाब में उमर ने ट्वीट किया था कि गौतम, मैंने ज्यादा क्रिकेट कभी नहीं खेला क्योंकि मैं जानता था कि क्रिकेट